सोर सोर सिद्धि सोर जाने दो उसको कमान व्लॉग में व्लॉग का शुरुआत शूट हो चुका है और स्टार्टिंग अभी हो रही है क्योंकि तभी गोप्रो था और मैं बाइक पे थी तो शुरुआत शूट करने मिला नहीं। हम अभी ऑफ रोडिंग करने आए हैं, वो आपको अगले क्लिप्स में देखेगा और इज्जत तो आप जरूर दोगे इस बार। और मैं गिर भी चुकी हूँ एक बार, मतलब मैंने गिरी गाड़ी गिरी और मैंने जो गाड़ी चलाई है ना फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में मैंने ऑफ रोडिंग किया और मक्खन सब खुश हो गए देख के। करंट से काय करत नाही पण मला माझं काय गाइस देखो मैं वापस एक बार माफी मांगना चाहता हूं, मेरे पास हेलमेट टूटा हुआ है और इन्होंने मुझे डायरेक्ट घर से उठाया, मुझे माफ करो। आईगो इतना प्यारा नजारा है और जो बाइक चला के अभी मजा आया है पर हम पानी वगैरह कुछ नहीं लेके आए, एकदम पीछे की तरह आए। अरे तुम बोले चलो निकले आगे मरेंगे, टिकट है ही नहीं अपना। अरे तू जामत से एफर्टलेस गाड़ी काढते, मला त्रास होतोय, याला काय अर्थ आहे? माझे एफर्ट हेल्मेटच्या आत दिसतील तुला। हा जाऊ दे आता, सरळ जाऊ दे। खत्म की कहानी अको भाई आई 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 नादे 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 कैसी कहानी मागे येते
किती अलगत पडली, लागल्या थोडस थांब. गाइस दैट्स इज गाड़ी इज डाउन. अभी अब ड्राइवर थोड़ा लेट पड़ा, उसको एडजस्ट करना. मेरी गाड़ी थोड़ी हेवी है इसलिए. गाइस इसका पीछे आपने देखा रहेगा, 800 411 200. करण जी आप व्लॉग बना रहे हो या क्या कर रहे हो? तने के लिए वीडियो फुटेज भी अच्छा खावा रे काय तन्या. ये सब फुटेज ना तेरे ब्लॉग के लिए मिलना चाहिए. जय श्री राम. ना ना उचल उचल पाटन टिका उसको. त्याला हे ऐक, त्याला कंबर टेको, कंबर टेको त्याला पूर्ण खाली. बस सीटवर हां बस खाली पूर्ण तसे ना टेको कंबर. हां अरे मी का डेडलिफ्ट मारते का? उचल कुले कुले टेको कुले त्या सीटला कुले टेको आणि पलीकडे फेकू नको. हां टेक अजून खाली जा. हां हां उचल गाडी. चल उचल 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 घुमा के दे उसको, घुमा के दे. पानी आपण आणलत नाही तेव्हा तिकडचं पानी पीते त्यातलं. दोस्तों गाड़ी यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ रही है, मेरे से बंद चढ़ रही है और टायर एक ही जगह घूम रहा है. और थोड़ी मैं आगे कैसे गाड़ी आगे चल के पिकअप लगे आगे. गियर नक्की फर्स्ट है. चलो बिलो आगे पिकअप में लेना, पिकअप में लेना है पिकअप. भाई जंप के लिए गाड़ी. वाह वाह कुठे लावायची? इकडे जाऊ दे. जा पुढे. हां जा. डेरिंग व अरे तू पण आता सुसाड जा. ये टेस्ट ड्राइव ले रहा है, मतलब टेस्ट ड्राइव तो ले चुकी है, बस उसकी जान निकलना चालू है. का तू एबीएस ऑफ केलं? हां एबीएस ऑफ केलं. काय ऑफ मोडला आहे? त्याला मोड सर. मग मी कुठल्या मोडवर चालवत होती? नॉर्मल मोडला. मग आता ऑफ रोडिंग वरती नको तू नको चालू. मी आजच रील बघितली विली कशी मारतात याची. अरे अनइवन असा असा रोड आहे ना, नाहीतर मी तुम्हाला ते फरफडी कारभार दाखवला. गोल 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 आपलं वरती मारलं तसा ती गाडी अडकते फरफडणार ना गाडी. थोड़ी थोड़ी पावर तो है, बट इकड़े जागा नहीं करा. इकड़े कशी होईल?
गाइस देखो मैं हॉरर का सबसे हॉरर स्टोरी सुनो, मुझे मालूम है आप कमेंट में लोगे क्या हुआ था। एक दिन की बात है, मैं बैठा था दोस्तों के साथ, था कि मुझे दोस्तों ने बताया मेरी उम्र के, एक वो उधर झाड़ी दिख रही है आपको, वहाँ पे एक बंगला है, वहाँ बंगले पे एक आदमी मच्छी तल रहा था। तो तने जी वो फोकस कीजिए, वो ऊपर जो पहाड़ी दिख रही है आपको, यस सर, वो मलेशिया का डोंगर इधर का, तो वहां से ऐसा हाथ जाके तवे पे गया था मच्छी के। क्या ये बात सच हो सकती है गाइस, कमेंट में बता दो। मैं जो से समझाता हूँ कि वो जो फार्म है ना, ऐसा माना जाता है, मतलब हॉरर है, हाँ, कि वो हॉरर फार्म है। वहाँ पे एक आया था व्यक्ति, वो खाना बना रहा था, मच्छी हाँ, मतलब मच्छी बना रहा था, खाना मतलब मच्छी मतलब खाना। और खाना बनाते बनाते अचानक ऊपर का जो डोंगर है वहाँ से हाथ लंबा ऐसा रबड़ जैसा आया और मच्छी लेके चला गया। तो तक मांजर, हाँ, तो ये है हॉरर स्टोरी। गाइस कमेंट में बताना कितने सही है, झूठ नहीं है, फैंटास्टिक फोर का वो नहीं, ये झूठ नहीं है, एक्चुअली ऊपर से हाथ गया है नीचे, बस देखा नहीं, अभी तक वो हाथ उधर ही है। मैंने चलो मच्छी देखने का क्या, चलो मच्छी का कुछ है वो हम देखने जा रहे हैं, और ये एक्सपर्ट से आ रहे हैं, हम चल के जा रहे हैं। मैंने कभी देखा नहीं ऐसा लाइव फिशिंग या जो जो भी है वो, देखते हैं अभी चलते हैं। देखो यहाँ पे हम आ गए, ये है फिश, तो इनको कहते हैं दोस्तों मोयाचे माशे, जो पानी की उल्टी धार में बहते हैं। हो रे, मतलब पानी नीचे आता है वो ऊपर चढ़ते जाते हैं पानी के इस पे, और ये लोग पकड़ते हैं। और ऐसा माना जाता है सभ्यताओं से कि इनकी चव बहुत बादशाह होती है। तुम्हें तो क्या, तुम तो वेज हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि देखो आप नॉनवेज खाते हो ना, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नॉनवेज में बकरा मुर्गी ये सब मत खाओ, बस मच्छी खाओ, क्योंकि मच्छियों को सेंस नहीं होता कि उनकी मौत आने वाली होती है, तो वो थोड़ा सा मेंटल होती है, तो और उनकी तादाद भी तो बहुत है। लेकिन आप बकरा मुर्गी मत खाओ क्योंकि वो गलत है, एक अच्छे इंसान को मार रहे हैं, और ये पाप आप कहीं पे नहीं पूरी किया जा सकता। मैं बोल के मैं मेरे तीन शब्द का पूरी करता हूँ, आप फिर मच्छी देखते चलो। मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। मुरिया दानवनी, ये मांसो के प्रकार है। मुरा मांसा खाने को जो चव लगती है ना, ये वास वास आता है इसका, वास बहुत अच्छा आता है और खाने में मजा आता है। और शक्य तो बहुत से लोग मुरिया चखने में खाते हैं, और ये मुझे इन्फॉर्मेशन करण सेठ ने दी। करण सेठ सही है, करण जी मुरिया चखने में खाते हैं कि नहीं? मुझे ज़्यादातर कली के पेटे खाते हैं। अच्छा, आप माटी भी फेंक रहे हो करण जी, ऊपर का पानी फेंक रहे हो। तो फिर बात बोलूँ क्या? ये पूरा पानी आपको वाला है, मैं जाता हूँ, भी अगर ये पानी हटवाना होता तो ये ऐसे ना होता। तो नको रे, मला वाईट वाटत। वाईट वाटवने की जरूरत नहीं, मासे की जिंदगी मरे ना मरा, इसको जो चव है करण कच्चा भी खा सकता है, देखना तो आपको। नहीं नहीं, बाय, शेवटची दुनिया बघून घे। क्रूर लोक आहात तुम्ही, क्रूर। एक इकडे चढवायचं म्हणतोय, कशी आणू दिसत पण नाही। हरलो मी, गिअर नाही, हेल्मेट नाही, काय नाही, बरमोड्यावर मी, ये ना खाली, तिकडे कुठे चाललंय? चाललाय हा भाऊ, इथं मध्ये रोड आहे का, खड्डा आहे, आला आला बाबा।
पहिला सीन एकदम स्लो मध्ये होतो व्हायला पाहत रे हा स्लो मो मध्ये पण मी लिख के देतो तुम्ही आ सकते उधर उधर ठीक आहे लिख के जा माना जा उधर तक जा सकते माना जा किधर जाने मैं जा भी जाके ऊपर पहाड़ी पे हां जा सकते अभी मेरे घेर नहीं पे अच्छा सूट घर पे दोस्तों मैं जा पे गया ना खाए जाके ला चैलेंज जाएंगे जाएंगे मैं चल के नहीं जा सकती गाड़ी लेके किधर जाऊं गाड़ी चला के जा सकते कंटिन्यू एज बोलतो हा करण दाखव तो बोलू ऊपर नहीं तो ऊपर तक जाएगा नहीं मैं काय उधर तक ऊपर हां गाइस करण जी को बाय बोल दाखव गाड़ी का अभी तक इंश्योरेंस आया नहीं है ना डर रहा हूं थोड़ा और पानी तो मेरा वाले लो क्या है दोस्तों मैं बता दूं अंदर की बात अभी मैंने किया है ना तो मत नहीं होगी ना फिर भी दिखाएगा उसका तो आपको तो आदत है कि हाँ मैं कर सकता तूने किया तो मैं करके दिखाऊंगा इसलिए मुझे बोले उसको जाने दो करने दो उसको क्लास रेंज खत्म हो गई अभी रेंज खत्म हो गई करण सेट की क्या हुआ करण जी क्या हुआ अभी वो पूरा ट्राई करेगा दोस्तों वो पूरा ट्राई करेगा एडी से लेके सर तक का जोर लगा देगा वो कि मैं कर सकता हूँ मुझे करना पड़ेगा नहीं तो इज्जत जाएगी कैमरा चालू है व्लॉगिंग चल रही है बेइज्जती हो जाएगी मुझे कुछ ना कुछ तो करना आ? क्या हुआ ए मजा पुप्पू आ गया दोस्तों आ गया इज्जत से आ गया देख के देखो मजाक की बात विचित्र है ऑलराउंडर इन एवरीथिंग ब्रो रुक 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 आगे 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 अरे करण जी क्या चाके आए रे आप वाह मुझे एक बात बताओ वो चढ़न देख के फट गई ना सच बताना हां बोला मैं ऊपर चढ़ा लूंगा टाइम मारो मैं लेके आया ऊपर ही पांव नहीं टिके ना मेरा आंख पे आएगा ये पांव तो बचा नहीं सकता टिक नहीं सकता बोला चलो नीचे चलो आप क्या कहना चाहते हो मेरे बारे में ब्रो क्या कहना चाहते हो इज्जत तो दो इतने इतने चंजू पात्र है तुमच्या गावाला काय बोलतात मला सांगा बहुत डिहायड्रेशन हो रहा था तो मावशी के पास पानी है विदाउट हेलमेट निकाल के पीऊ क्या विदाउट हेलमेट निकाल के पीना है कसं काय नहीं तो पीना अरे दोस्तों अभी आपको पता नहीं है इसका चेहरा आप देखोगे ना मतलब इसके अंदर से जान निकली है इसने किया क्या है उधर से गाड़ी इधर लेके आई इतना ही किया है खत्म है खेल गाइस अगर पहले लद्दाख आती थी तो गाइस मैं निकल रही हूँ लद्दाख और गाइस मैं पहुंच गई घर इतना ही वीडियो ये कॉमेडी थी एडजस्ट कर तू चल एकाने बूढ़े चल रास्ता कोयरा चालू है अरे सर की बंद का पड़ती है एवढा क्लच पण सोडत नाही मी ए लगेच का बंद पडते एका सेकंदात नाही रे अडकली खरंच अडकली आता पडणार आहे मी अरे हे इथं जात नाही बाहेर अरे हे काय नाही ना जाते जा ये मग इकडे घे चल घे पडते सिद्धी मला असं वाटतं सेकंड वर गाडी सेकंड वर नाही रे गाडी गिअर मध्ये थांब
व्हाट द शिट मेरी हार्ट बीट का आशा आप अभी सुन सकते हैं। अरे देवा दोस्तों बाइक गिर गई और मैं कुछ नहीं कर पाई। ये देखो मैं भी गिर रही हूँ। कह रहे गाड़ी कैसे पड़ी है? गोप्रो में आया है समझेगा। लगा क्या? लगा पाई भी को मैं छोड़ दी मैंने पड़ी। अभी चला भी ये गाड़ी टूटा। अरे माला ना है माला उल्टी है ते अच्छी कटकट कर निजी देव का मामा गाडीचा नंबर आहे 40 सेकंड हँड झाली रे गाडी। अरे करण तुला पण अरे पाय सरकला सिद्धी गवते अरे पाय सरकते गे 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 3 2 1 आ ये दुसरी बार गाडी गिरी। काय कुठे गेलं? लुकलेत जा मला थोडस इथे काहीतरी लागलो थोडी पुढे घ्यायला लागेल गाडी करत थांब मला तर मोबाईल बंदच करायला लागेल। कुछ तो नुकसान हुआ है दोस्तों पर अभी कुछ नहीं कर सकते। अरे वो क्या टूटा है ना गेज निकला ग्रिप से। हाँ ग्रिप से निकला वो नट बोल्ट ठीक है वो तो नॉर्मल है निकल जाएगा उसको वाइसर डालेंगे तो वाइसर की भी जरूरत नहीं खोल के हो जाएगा 2% लगा सिर्फ। चलो ले लो गाड़ी चलो ऑफ रोडिंग का ना चल ओके एकदम सर ये चल नट चल नट चल आई गो चलो थोड़े पुढे घेऊन दिली असते चिखलात ना तर पडत पडली नसती मी बघते लोक ऑफ रोडिंग ला सुकरायचा प्रयत्न करते ही ओढी झालं बघते ए गाडी चालू नाही होते। चावी बंद करके चल गाइस बटन में ग्रिप नहीं पकड़ रही चालू नहीं होते तब उतर जरा अगो भाई होइल होइल देखो अरे का है नहीं नॉर्मल पड़ली ना पेट्रोल हल्लो का पेट्रोल ये गियर्स की वजह से इतना सिक्योर फील होता है गाइस। कंफर्टेबल है उसके गियर्स और उसका मतलब जो हैंडल है वो बिल्कुल सर्डर अभी एक जगह पे रुके और पानी पिए और इन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिया और अभी हम जाएंगे। आता कुछ जाए गाड़ी धोएगा आए हम वॉशिंग सेंटर तीनों गाड़ियाँ वो धोएंगे और फिर हम जाएंगे बूट कैंप। दोस्तों गाड़ी का फर्स्ट वॉश है ठीक है अच्छा इंस्टेंट नहीं पीता मनो भाई है वॉश सेंटर है हे आपण आता हिमाचल मध्ये नसलो तरी हे वॉश सेंटर जमिनीपासून 25,000 फुटावर आहे जरा बाजूला हो ना फर्स्ट वॉश इकडे गाडी घुसली जाते विषय क्लोज आहे भाई भाई यावर हे 12 वर्षापेक्षा वरचा टॉप आहे टॉप आहे टॉप दर्शन छोटे नहीं आला रे मार करना डैमेज हुआ ना भाई 12 लाख का साफ करना
टेप भी नहीं रहा यहाँ पे, इसको लग रहा है तब वो मेरे को जैसे करना पड़ेगा। ये आईना किधर जा रहा है भाई, मैंने अभी देखा। अभी गाड़ियाँ धो के हम जा रहे हैं बूट कैंप पे वापस, और ये मेरी लाइफ का फर्स्ट ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस था। अब गोप्रो का माइक नहीं लगाया है मैंने, वरना अगर ये आवाज़ क्लियर नहीं आता तो मैं वॉइस ओवर दे दूंगी, पर मुझे लगता है क्लियर आ जाएगा। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, अपन टर्न मार लेते बाइक होने का फ़ायदा। हाँ तो मैं कह रही थी कि ये मेरी लाइफ का फर्स्ट ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस है। दो बार हम गिरे, चोट कुछ नहीं लगी, एकदम 2-5% इतना कुछ लगा था, वो अभी महसूस भी नहीं हो रहा है क्योंकि प्रॉपर गियर थे सब थे। हाँ हालांकि मेरे पास पैंट्स नहीं है, तो देखते हैं कब पैंट्स हम हाथ दिखाना पड़ेगा क्योंकि मुझे मिरर नहीं दिख रहा, मिरर का हाल ठीक है। तो मैं कह रही थी कि पैंट्स नहीं है, पैंट्स लेंगे, शूज़ तो अपने आ रहे हैं। वैसे ये शूज़ भी अच्छे हैं, ये है तो ट्रेकिंग शूज बट राइडिंग के लिए भी चल जाते हैं, ऑफ रोडिंग के लिए मुझे लगता है ऐसे ही शूज़ होते हैं यूजली। थोड़े हील्स वाले शूज़ और मिलेंगे तो कंफर्टेबल होंगे कि नहीं पता नहीं, क्योंकि वो हैवी तो बहुत रहते हैं। तो हाँ बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस ऑफ रोडिंग का, बहुत मज़ा आया। जो मैं डर रही थी गाड़ी लेने से, रिवर्स लेने से, या फिर ऐसी जगह से भी मैं चलाने को डर रही थी, अब ये ऐसी जगह थोड़ी ओके लगती है इसकी वजह से। ऐसा कुछ नहीं है, मैं इधर भी गिर सकती हूँ, बट फिर भी डर नहीं बैठा अभी वो गिरने का। मम्मी बड़ा लवली रे इंडीड। चलो अब गाड़ी पार्क करते हैं और चलते हैं अंदर। हाँ इकड़े सभी कड़े शेवावा झाले, त्यामुळे इकडे गाडी सुटकण्याचे चान्सेस खूप जास्त वाढलेले। आई गशी, चलो लेट्स गो टू बूट कैंप। हेलो, आई नो आपको व्लॉग पसंद आया है, मैं कमेंट्स में देख भी रही हूँ, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस कह लो उससे, पर मुझे पता है आपको पसंद आया है। अच्छा तो अभी मैं नेक्स्ट व्लॉग अपना आधा शूट हो गया है, जो भी आएगा 2 दिनों में, वो बड़ा व्लॉग नहीं है, वो काफ़ी छोटा व्लॉग है। उसके बाद जो ब्लॉगर है उसका डिस्क्लेमर या डिस्क्रिप्शन मैं आपको यहाँ पे देती हूँ। मैं जा रही हूँ अमृतसर, सोलो जा रही हूँ मोस्टली, अगर कोई ऑन द स्पॉट ज्वाइन होता है तो वो देखते हैं। मैं आज से कुछ 2 से 5 साल पहले, मतलब ये ड्यूरेशन में, अभी मुझे ईयर याद नहीं है, गई थी अमृतसर। वो मेरे लाइफ का फ़र्स्ट फ्लाइट था, फर्स्ट सोलो ट्रिप था, और कुछ आइडिया नहीं था, थोड़ा सा तभी मैं लाइफ में ऐसा लॉस्ट फील कर रही थी, तो मैं अमृतसर गई थी। बहुत एक मेरा सोलफुल कनेक्शन है उस जगह के साथ, वो गोल्डन टेम्पल के साथ। और हाँ मैंने जब वो मेरे फ़्लाइट के टिकट्स मेरे किसी दोस्त ने बुक किए थे, और वो टिकट बुक करने के कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि जब वो टिकट्स बुक हुए उस दिन कुछ गुरु नानक जी का बर्थडे शायद कुछ ऐसा था, और वो मुझे बाद में पता चला। तो आई फील दैट वॉज वेरी काइंड ऑफ, इट्स द यूनिवर्स काइंड ऑफ थिंग। यूनिवर्स के नाम पे खुद की चीज़ें चला लेती हूँ, बट नाउ इट्स आई नो फॉर अ फैक्ट कि ये बहुत मेरा एक अंदर से आने वाला फील था। तो ये रहा अमृतसर का, तो मैं घर पे ऐसा कॉन्शियस हो जाती हूँ लोग शूट करते करते। तो इतना ही, ये ब्लॉग यहाँ तक था। मैं अमृतसर जा रही हूँ, अकेले जा रही हूँ मोस्टली, कोई आया तो मैं आपको ब्लॉग में पता चलेगा। यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना, मुझे ये ब्लॉग कैसे लगा ये कमेंट में सुनना है आपसे। ओके, सो बाय।